अगर आपको भी सिक्कों और नोट का कलेक्शन करने का शौक है तो आप भी आसानी से लखपति बन सकते हैं। इस साल दिवाली पर आप पुराने नोट और सिक्कों से अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो अब आप फटाफट 781 सीरीज के नोट ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नोट की ये वाली सीरीज है तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ईबे की वेबसाइट पर जाना है और जहां अपने नोट पर ई बोली लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपको कमाई करने के लिए कौन सा नोट चाहिए होगा। आपको बता दें, इंडियन करेंसी के रेयर नोट की बोली ईबे पर लगती है। ईबे हमेशा नोटों की बोली लगाता है। इस बोली में कोई भी आदमी भाग ले सकता है। 781 सीरीज वाले नोटों पर आप 3 लाख रुपए तक की बोली लगा सकते हैं। बता दें, अगर आपकी नोट की गड्डी में 786 नंबर नहीं है तो आप एक समान नंबर वाले नोटों से भी कमाई कर सकते हैं। हाल ही में एक 10 रुपए का नोट मिल गया जिसके अंकों की सीरीज समान थी। इस नोटों के बदले में बोली लगने पर ग्राहक को 3300 रुपए मिले। तो आप भी कुछ इस तरह के खास नोटों से कमाई कर सकते हैं। ऐसा ही अगर आपके पास 1 रुपए का नोट हो जिसे 1917 में छापा गया था, इस नोट की कीमत इस समय 10,250 रुपए है। यानी अगर आपके पास ऐसा नोट है तो आपकी बोली लगने पर आपको 10,250 रुपए मिल जाएंगे। इसी तरह 10 रुपए का एक पुराना नोट है जिसे 1951 में छापा गया था। ये नोट सफेद और हल्के नीले रंग में है। अगर आपके पास ये नोट है तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए तक मिल जाएगी। बहुत ज्यादा पुराना होने के कारण ये नोट काफी रेयर माना जाता है। वैसे ही वैष्णो देवी के 5 और 10 रुपए वाले सिक्कों से भी कमाई की जा सकती है। अगर आपके पास माता वैष्णो देवी के 5 और 10 के सिक्के हैं तो आप इनको बेचकर पैसा कमा सकते हैं। बता दें, इन सिक्कों को साल 2002 में जारी किया गया था। माता रानी की तस्वीर होने के कारण लोग इन सिक्कों को काफी लकी मान रहे हैं। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की पूजा की जाती है, इसीलिए लोग इस तरह के सिक्कों के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं।